अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगस्त 2018 के फैसले के बाद BZU से LLB 5 साला प्रोग्राम से मुसलिक दर्जा ज़ेल कॉलेजेस जो हैं इनके बाद दी नेक्स्ट लॉ कॉलेज रोड मुल्तान, बोसर रोड मुल्तान, नेक्स्ट लॉ कॉलेज मुल्तान, इलामा इकबाल लॉ कॉलेज मुल्तान, रॉयल लॉ कॉलेज बूरे वाला, इसके अलावा जो है बेस्ट लॉ कॉलेज मुल्तान, ठीक है, द बेस्ट लॉ कॉलेज मुल्तान, पोस्ट ग्रेजुएट लॉ कॉलेज मुल्तान, सिटी लॉ कॉलेज मुल्तान, अल वकील लॉ कॉलेज बूरे वाला, जिसकी तरफ से सिफारिश की गई थी, ठीक है। जो मलक अनीक अठाणा साहब की रिपुटेशन थी, 3 साला प्रोग्राम ख़त्म किया गया, तो इन सिर्फ इन कॉलेजेस को 5 साला प्रोग्राम में रजिस्टर किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल, ये 11 कॉलेजेस हैं, इनको 5 साल में इन्होंने रजिस्टर किया था 4 ईयर्स के बाद। एंट्रेंस का एक पॉइंट ऑफ व्यू उठाया था मलक अनीक कटाना साहब ने कि बावद्दीन जिक्र यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है को जनाब यूनिवर्सिटी को अकोमोडेट करे। इन्होंने जनाब अला फौरन तो इन्होंने कहा जी नहीं, अब जो सुप्रीम कोर्ट में केस मैटर पेंडिंग है, हमने एक रिपोर्ट पेश करनी है, तो फौरी तौर पर जनाब अला इन पर कार्रवाई करते, इनकी एप्लीकेशन को विदड्रॉ किया गया। साथ बयान कर दूँ, इसको तहसील को पढ़ा है तो आप तफसील जवाबात के जरिए जो आप मामला को डिस्कस कर सके। मैं नोटिफिकेशन को तस्दीक किया डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने, ठीक है, और इसकी कापी वाइस चांसलर जो है वजीर बराए हायर एजुकेशन कमीशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट लाहौर, चेयरमैन मेंबर सेक्रेटरीट ऑफ दी सेनेट, सेक्रेटरी पाकिस्तान बार कौंसिल, वाइस चांसलर पंजाब बार इम्तिहान का कंट्रोलर जो है उनको और खजांची को और डिप्टी रजिस्ट्रार सिंडिकेट के सामने जो रखा गया, डिप्टी रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन बना के सब पहुँचाया गया।